हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमए के जो दो नए कोर्सेज एमसी में आए हैं तो उनको लेकर काफ़ी सारी कंफ्यूजन है। किसको स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन में जाना चाहिए, किसको जो है एमबीएस वाले कोर्स में जाना चाहिए। तो आपकी नीड के हिसाब से वैसे काम होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सिलेबस आपने देखा ही होगा, हालांकि उनको सिलेबस को एक्सप्लेन करने वाला जो वीडियो है वो आपको डेफिनेटली आने वाले वीडियो में मिल रहा है ना, तो अपकमिंग वीडियो आप ज़रूर देखें। लेकिन यहाँ कुछ छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि जिसका पीजीटी कोर्स में ऑलरेडी हो गया, अब वो एमए कोर्स में जाना चाहेगा तो फिर किस तरीके से उसकी पीजीटी की कोर्स जो है एमए कोर्स में मैनेज होगी। तो इसका क्राइटेरिया ये रहेगा दोस्तों, जिसका पीजीटी कोर्स में सिलेक्शन हुआ है, एमए कोर्स में अगर वो इनरोलमेंट करना चाह रहा है सिलेक्शन होने के बाद, तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले पीजीडी कोर्स से। विड्रॉ करने के बाद आपको जो है रिफ़ंड जनरेट होगा और एमए के कोर्स की फ़ीस जो है आपको अलग से भरनी पड़ेगी। अब ये कंसर्न कि अरे ये तो ऐसे थोड़ी होगा, हमारा तो बहुत बड़ा अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो इसको लेकर भी फ्रेमवर्क ये है कि भाई जो एमए कोर्स में सेलेक्ट होगा उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कि चलो आप आराम से पे कर सकते हैं, प्लस आपको तब तक प्रेशराइज नहीं किया जा सकता जब तक आपकी रिफ़ंड की प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। आप जेन्युइनली कह सकते हैं कि मैं पीजीडी कोर्स में एनरोल्ड हूँ, मेरा जो अमाउंट दिया हुआ है, और वो जब तक आप रिफ़ंड नहीं करेंगे मैं एमए के अंदर कैसे फ़ीस जमा करूँ। तो डेफ़िनेटली जब आपको रिफ़ंड मिले तब तक आप जो है होल्ड करते हुए एमए की फ़ीस जो है जमा कर पाएंगे। और एमसी भी पहले प्रायोरिटी देखे उन सब का रिफ़ंड करेगा जिनका पीजीडी कोर्स के अंदर जो है सिलेक्शन हुआ था, आप विड्रॉ करके एमए में जा रहे हैं, तो वो उस तरीके से डेफ़िनेटली आपके साथ कोऑपरेट करेगा। आपको इतनी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता ये सामने आ रही थी। फिर आप सब लोगों का ये भी पूछना है कि इंटरव्यू कब होंगे, तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इंटरव्यू आपके हो जाएंगे। अपकमिंग वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा। और हाइब्रिड मोड में करने की कोशिश है। हाइब्रिड में ऐसा रहेगा दोस्तों कि मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा कि आप फिज़िकली आके जो है इंटरव्यू दें। हाइब्रिड उनके लिए ही, हाइब्रिड में जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है ना, तो ऑनलाइन वही प्रेफर करें जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है एमसी आना किसी कंडीशन की वजह से, तो उनका इंटरव्यू छूटे नहीं। तो आप ये कर सकते हैं कि भाई घर से इंटरव्यू आप दे सकते हैं। और इस बार आपने देखा होगा कि जामिया के इंटरव्यू भी जो हैं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन हो गए हैं, तो ऑनलाइन को भी जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। वो बच्चे भी जो हैं आराम से एडमिशन ले सकते हैं इंटरव्यू देते हुए, जो बच्चे घर से इंटरव्यू दे सकते हैं या यहाँ आने में असमर्थ हैं। और जैसा कि एक कंसर्न ये भी था कि सर 260,000 रुपये की फ़ीस है, तो सेमेस्टर वाइज ही फ़ीस जमा होगी, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस ही आपको जमा करनी है, सारे एक साथ नहीं जमा करनी है। और कोर्सेज डेफिनेटली यूनिक है। देखिए, आईएमसी डिस्टिंक्ट कैटेगरी के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी बना है। जब डिस्टिंक्ट के अंतर बनता है कोई यूनिवर्सिटी पहली बार, तो उसे नए तरह के जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च करने होते हैं, ये उसकी रिक्वायरमेंट है डिस्टिंक्ट कैटेगरी के अंदर। तो इसलिए आईएमसी ने ऐसे कोर्सेज बनाए हैं जो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती, दैट इज़ स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन एंड एमए एमबीएस वाला कोर्स। दोनों ही कोर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि मैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हूँ, मैं हर तरह की नॉलेज रखता हूँ और बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन आपके लिए बेस्ट है। एमबीएस वाला किसके लिए अच्छा है, जो ये कह सकता है कि मैं कम्युनिकेटर भी अच्छा हूँ, प्लस मैं एक बड़े स्टाफ को मैनेज कर सकता हूँ, मैं टीम वर्क करवा सकता हूँ, मैं एक लीडरशिप कर सकता हूँ, मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जो है संभाल सकता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप में भी जो है अच्छा हूँ, खुद के लेवल पर काम करवाने का दमखम रखता हूँ, और फाइनेंस को लेकर हर चीज़ को लेकर मेरी नॉलेज भी अच्छी है, तो एमबीएस वाला है। तो दोनों अलग अलग स्ट्रीम हैं। आप ये समझिए कि जिस तरीके से आप पीजीडी कोर्स करके एक सब एडिटर बनते हैं, ठीक है, तो उसमें वो क्या होता है कि डेस्क पर आप थोड़ा बहुत काम कर दिया, ऑनलाइन कई खबरें आ रही उसको मॉडिफाई करके लगा दिया, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रिपोर्टिंग का काम मिलता है, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसको एक टाइम के बाद में एंकरिंग करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप एमए कोर्सेज को उस तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे तो आप
मैं पहले भी कुछ जगह पे कह सकता हूँ कि 10 साल आगे लेके जाने वाला कोर्स है। जो पोजीशन आपको सब एडिटर से स्टार्ट करने के बाद 10 साल बाद या 5 साल बाद मिलेगी, एमए कोर्स को अगर आप सही से यूटिलाइज़ कर लेते हो, उसका कोर्स अच्छे से यहाँ पे चल गया, प्लस आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली और कंपनीज भी अगर अच्छे से रिक्रूटमेंट के लिए आ जाती है, तो आपको डेफिनेटली ये 10 साल आगे लेके जाने वाला कोर्स है। 10 साल अगर बहुत ज़्यादा किंवदंती में बोल दे रहा हूँ वैसे, तो 5 साल तो डेफिनेटली है ये, या ये कह सकते हैं कि जॉब का लेवल मान के चलिए कि कहीं ना कहीं हायर रहेगा। अब एक कंसर्न ये भी था कि अब जैसे प्लेसमेंट हो गए, अब 2 साल बाद है ना, क्योंकि अब तो इस साल से 2 कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो आने वाले समय में पीजी डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं उनका प्लेसमेंट और एमए वालों का प्लेसमेंट क्या अलग अलग होगा? तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी चलते रहें तो, और एमए कोर्सेज भी चलते रहें, तो उनका प्लेसमेंट इक्वली सबके लिए रहेगा। आईएमसी की ओर से कोई कैप नहीं लगाई जाएगी, कोई कंपनी किसी तरह की कैप लगानी चाहती है कोर्स के हिसाब से, एज क्राइटेरिया के हिसाब से, फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स के हिसाब से, रीजनल कैंपस, दिल्ली कैंपस के हिसाब से, कोई भी कंपनी को रोकता है वैसे आईएमसी की ऐसी कैप आप मत लगाइए, लेकिन कोई कंपनी कह ही दे कि मैं तो प्लेसमेंट में तभी आऊँगा जब आप ऐसी कैप लगाने देंगे, तो वो फिल्टर अगर कैप अगर कोई कंपनी लगाना चाहती है तो फिर उसको देखना पड़ता है कि चलो ठीक है। बाकी आईएमसी कोशिश करता है कि हर मामले में हमारी तरफ से इक्विलिटी बनी रहे कोर्स के हिसाब से, पीजीडी कोर्सेज में और जितने भी कैंपस हैं उन सब की ओर से एक न्यूट्रलिटी जो है आईएमसी ने बना के रखी है, और इक्वलाइजेशन करने की कोशिश हमेशा से आईएमसी ने की है। और दूसरा ये भी है कि जैसे न्यू अभी डिजिटल मीडिया का कोर्स है और अगले साल से न्यू मीडिया का कोर्स भी आएगा, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया जो है एमए के अंदर, एमए न्यू मीडिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें अगर आप 1 साल छोड़ के अगर चले जाएंगे तो वो एक तरीके से पीजी डिप्लोमा हो जाएगा, क्योंकि ये तो सब जगह हो गया ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि मल्टीपल लेवल की एंट्री, मल्टीपल लेवल पर एग्जिट, मतलब किसी भी साल जो है आप एग्जिट कर सकते हैं, किसी भी साल आप एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस साल एमए के कोर्सेज में भी आप देखिए कि आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ जाएंगे, उसके बाद आपको लगा कि नहीं मेरे को एमए पूरी कंप्लीट करनी चाहिए थी, तो 5 साल के अंदर अंदर अगर आप आ रहे हैं आईएमसी में उसी कोर्स में कंटिन्यू करने के लिए, यू कैन, आप आ सकते हैं। उसके लिए भी 20% सीटों का अलग से और क्राइटेरिया बनाया लेटरल एंट्री करके, ठीक है। और डेफिनेटली जो इस साल या पीछे पीजीडी कोर्स कर चुके हैं आईएमसी वाले, उनको भी जो है लेटरल एंट्री एमए कोर्सेज के अंदर दी जाएगी, उनका प्रोविजन भी रखा गया है। डेफिनेटली लेटरल एंट्री तो आनी थी, क्योंकि ये केवल आईएमसी का ही नहीं है, आईएमसी के कोर्सेज तो एनईपी के हिसाब से बने ही बने हैं। देश भर की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो अभी एनईपी लागू नहीं कर पाई है, लेकिन उनको करना पड़ेगा, और ये हर एक यूनिवर्सिटी में होगा। किसी भी लेवल पे आप जाके स्किप करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, यू कैन, एंट्री करना चाहते हैं, यू कैन, आप कर सकते हैं। तो आई होप कि कुछ ज़रूरी जो आपके डाउट्स थे वो इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे, और भी कुछ जो आपके डाउट्स हैं वो आगे की वीडियोज़ में कवर होंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।